दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्थिर विद्युत के अंदर आज हम द्विध्रुव यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस अवस्था में क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है इसके बारे में हम हमारे पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर विद्युत ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। अब यदि कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस अवस्था में क्या होगा इसके बारे में हम लेते हैं। तो यहां पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया है, इसमें बिंदु ए पर आवेश माइनस क्यू जबकि बिंदु बी पर आवेश प्लस क्यू है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2a है। अब ये जो द्विध्रुव ए बी है यह किसी समरूप विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और द्विध्रुव इस दिशा में है। तो ये जो द्विध्रुव है यह विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाता है। माना एक द्विध्रुव ए बी समरूप विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। माना यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में थीटा कोण बनाता है। तो विद्युत क्षेत्र हमने कहा है इस दिशा में है जबकि द्विध्रुव इस दिशा में है। तो ये जो द्विध्रुव है यह विद्युत क्षेत्र E के साथ में थीटा कोण बनाता है। जब एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो यह बल अनुभव करता है तथा बल का मान F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। यहां ई विद्युत क्षेत्र है जबकि क्यू आवेश है। तो यदि आवेशित कण क्यू विद्युत क्षेत्र E में स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्यू ई। तो प्लस क्यू आवेश पर बल F1 इक्वल टू क्यू ई। तो प्लस क्यू आवेश ये है, इस पर बल इस दिशा में जिसे हमने F1 माना है, तो F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई। माइनस क्यू आवेश पर बल F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो इस बिंदु A पर आवेश माइनस क्यू है, यह आवेश विद्युत क्षेत्र E में स्थित है तो इस पर बल इस दिशा में लगेगा जो कि माइनस क्यू ई होगा। अब यहां पर विद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्यरत हैं, एक बल F1 और एक F2, दोनों बल परिमाण में समान है। तो ये भी क्यू ई और ये भी क्यू ई। F1 इस दिशा में है जबकि F2 इस दिशा में है। तो F1 तथा F2 परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे और इस बल आघूर्ण के कारण ये द्विध्रुव घूमने लगेगा। तो इस पर बल इस दिशा में, इस पर बल इस दिशा में, तो इसके कारण ये इस दिशा में घूमने लगेगा। इस बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव घूर्णन करने लगता है एवं विद्युत क्षेत्र E की दिशा में आने का प्रयास करता है। तो हमने कहा था ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E में स्थित है तो ये इस दिशा में घूर्णन करेगा और इस प्रकार घूर्णन करेगा कि वह विद्युत क्षेत्र E की दिशा में आने का प्रयास करेगा। अब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टॉ होता है बल इंटू लंबवत दूरी। अब बल क्यू ई है और लंबवत दूरी निकालने के लिए इस F2 की क्रिया रेखा ये, F1 की क्रिया रेखा ये, तो हम इस B से एक लंब डालते हैं जो कि BC है। तो ये कोण 90 डिग्री, तो लंबवत दूरी आ जाएगी BC। तो F या बल QE, सो बल आघूर्ण QE इंटू BC, BC हमारी लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी क्या होगी, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यदि हम इस 2a का घटक निकाले तो ac घटक होगा 2a cos थीटा जबकि bc घटक होगा
2a साइन थीटा, तो लंबवत दूरी आ जाएगी जो कि BC है 2a साइन थीटा। सो BC हमारा 2a साइन थीटा, तो BC का मान अगर हम यहां रखेंगे सो टॉर्क इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अब Q इंटू 2a है P, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो Q इंटू 2a को हम P लिख देते हैं, इसलिए टॉर्क आ जाएगा PE साइन थीटा। सो टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। अब A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, इसलिए PE साइन थीटा आ जाएगा P क्रॉस E। सो टॉर्क हो गया P क्रॉस E। तो यदि कोई द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र E में स्थित हो तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा उसका मान होगा P क्रॉस E। यदि हम द्विध्रुव को अतिरिक्त कोण d थीटा पर घुमाएं तो हमें कार्य करना होगा, एवं यह कार्य dw इक्वल टॉ d थीटा होगा। अब टॉ हमारा PE साइन थीटा, तो यहां पर PE साइन थीटा लिखो, सो dw इक्वल टू PE साइन थीटा d थीटा। अब d थीटा कोण से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य यह आया है, कुल किया गया कार्य। यदि प्रारंभ में द्विध्रुव थीटा वन कोण पर हो और उसे हम थीटा टू कोण तक घुमाते हैं तो कुल किया गया कार्य इसका थीटा वन से थीटा टू सीमा में समाकलन होगा। सो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू हमारा ये है तो यहां पर रख देते हैं, इसलिए W इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू PE साइन थीटा डी थीटा। अब केवल थीटा हमारी परिवर्तित राशि है या वेरिएबल क्वांटिटी है, तो PE कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। सो ये हो जाएगा PE इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा और लिमिट आ गई थीटा वन से थीटा टू। अब हम क्या करते हैं, पहले थीटा की जगह थीटा टू, फिर थीटा की जगह थीटा वन ये रख देते हैं, परंतु यहां पर ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए पहले मैं थीटा वन लिख देता हूं फिर थीटा टू लिखता हूं। सो W इक्वल टू PE कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, तो यह किया गया कार्य होगा। तथा किया गया यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा आ गई U is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2, तो यही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा जिसे हमने U से रिप्रेजेंट किया है। यदि theta 1 equal to 90 degree अर्थात प्रारंभ में द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तथा इसे हम theta कोण तक लेकर जाते हैं, तो theta 1 की जगह 90 degree और theta 2 की जगह theta। अब cos 90 हो जाएगा 0, सो U आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। सो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, एंड A डॉट B होता है AB cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। सो U इक्वल टू माइनस P डॉट E, तो ये हमारी स्थिति ऊर्जा होगी यदि प्रारंभ में द्विध्रुव 90 डिग्री पर हो तथा अंतिम कोण थीटा हो। तो अब असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, अब यदि हमारा विद्युत द्विध्रुव किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो क्या होगा, कि हमारा द्विध्रुव जिसमें बिंदु A पर आवेश माइनस क्यू, बिंदु B पर आवेश प्लस क्यू है, बिंदु A के निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा बिंदु B A के अत्यंत समीप है इसलिए B के निर्देशांक एक्स प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। अब यहां पर हम द्विध्रुव को असमरूप विद्युत क्षेत्र में मान रहे हैं, तो ये जो माइनस क्यू आवेश है यह विद्युत क्षेत्र E में स्थित है जिसके x, y तथा z दिशा में घटक ex, ey तथा ez हैं, तथा प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र E' में है
जिसके एक्स वाई तथा जेड दिशा में घटक ईएक्स डैश ईवाई डैश तथा ईजेड डैश हैं। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र ईएक्स ईवाई तथा ईजेड है, इसलिए बल हमने एक्स दिशा में एफ एक्स वन, वाई दिशा में एफ वाई वन तथा जेड दिशा में एफ जेड वन माना है। चूंकि ई तथा ई डैश अलग अलग विद्युत क्षेत्र हैं या विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो अलग अलग है, तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहां पर हमने x दिशा में बल एफ एक्स टू, वाई दिशा में एफ वाई टू और जेड दिशा में एफ जेड टू माना है। जब एक द्विध्रुव को असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान नहीं होता है तथा उन बलों की दिशा भी विपरीत होती है। तो बल परिमाण में समान नहीं है परंतु इनकी दिशा विपरीत है। एक छोटे द्विध्रुव के लिए ये बल परिमाण में समान होंगे तथा इनकी दिशा भी विपरीत होगी, इसलिए ये बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे जिसका मान टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई होगा। अब यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो तो बिंदु ए तथा बी अत्यंत समीप होंगे, इसलिए ए तथा बी पर लगने वाला बल समान होगा। क्योंकि द्विध्रुव अत्यंत छोटा है तो ए एवं बी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा, इसलिए आवेशों पर लगने वाले बल समान होंगे तथा इनकी दिशा भी विपरीत होगी। उस परिस्थिति में ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे जिसका मान टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई होगा। अतः यदि एक द्विध्रुव असमरूप विद्युत क्षेत्र में हो तो यह बल आघूर्ण के साथ एक स्थानांतरी बल भी महसूस करता है, क्योंकि इस अवस्था में दोनों बल समान नहीं है जबकि इनकी दिशा विपरीत है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो छोटे द्विध्रुव के कंडीशन में ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, और यदि द्विध्रुव बड़ा है तो उस अवस्था में ये जिस और बल का मान अधिक है उस और विस्थापित होगा। तो यदि असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव है तो वह बल आघूर्ण के साथ स्थानांतरीय बल भी महसूस करता है, यह स्थानांतरित गति भी तय करता है, तो यह घूमेगा भी और इधर भी बढ़ेगा, तो इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। यहां ई द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है, तो यहां जो हमने ई माना है यह द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है। माना बिंदु ए जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड पर एक्स वाई तथा जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक क्रमशः ई एक्स ई वाई तथा ई जेड है, तो ई एक्स ई वाई तथा ई जेड। इसी प्रकार बिंदु बी पर जिसके निर्देशांक एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड है, एक्स वाई तथा जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक ई एक्स डैश ई वाई डैश तथा ई जेड डैश है, तो ई एक्स डैश ई वाई डैश तथा ई जेड डैश है। अब ई एक्स तथा ई एक्स डैश में अंतर बहुत कम होगा, माना यह अंतर डी ई एक्स है, तो ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स प्लस डी ई एक्स। अब ये जो डी ई एक्स है इसे हम आंशिक अवकलन के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, तो ई एक्स डैश हमारा ये हो गया। यदि ए तथा बी बिंदुओं पर एक्स वाई तथा जेड दिशा में बलों के घटक क्रमशः एफ एक्स वन एफ वाई वन एफ जेड वन तथा एफ एक्स टू एफ वाई टू एफ जेड टू हो तो एक्स दिशा में परिणामी बल होगा। तो यहां पर एक्स दिशा में बल एफ एक्स वन, वाई दिशा में एफ वाई वन, जेड दिशा में एफ जेड वन, और इस आवेश पर एक्स दिशा में एफ एक्स टू, वाई दिशा में एफ वाई टू और जेड दिशा में एफ जेड टू, तो परिणामी बल आ गया एक्स दिशा में एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। अब एफ एक्स टू इस क्यू आवेश पर एक्स दिशा में बल है,
तथा एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र ई एक्स डैश है, सो एफ एक्स टू आ जाएगा क्यू ई एक्स डैश और एफ एक्स वन माइनस क्यू आवेश पर एक्स दिशा में बल है एवं यहां पर विद्युत क्षेत्र ई एक्स है इसलिए आ जाएगा क्यू ई एक्स, सो एफ एक्स इक्वल टू क्यू ई एक्स डैश माइनस क्यू ई एक्स। क्यू कॉमन ले लेते हैं सो ई एक्स डैश माइनस ई एक्स और ई एक्स डैश का मान हमने ये निकाला था सो ई एक्स डैश माइनस ई एक्स हो जाएगा, इस ई एक्स को हम इधर ले जाते हैं सो ई एक्स डैश माइनस ई एक्स इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम यहां पर रख दें सो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, तो ये एक्स दिशा में परिणामी बल है। अब हम इसके तीन टुकड़े कर देते हैं तो क्यू को अंदर लेकर आओ सो एफ एक्स इक्वल टू क्यू डी एक्स इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस क्यू डी वाई इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डी जेड इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, तो हमारा एफ एक्स हो गया। एक्स वाई तथा जेड दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण के घटक, अब एक्स दिशा में द्विध्रुव की जो लंबाई है वो डी एक्स, वाई दिशा में डी वाई तथा जेड दिशा में डी जेड, क्योंकि एक्स दिशा में लंबाई क्या होगी एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स जो कि डी एक्स आ जाएगा, वाई दिशा में वाई प्लस डी वाई माइनस वाई जो कि डी वाई होगा और जेड दिशा में जेड प्लस डी जेड माइनस जेड जो कि डी जेड होगा, और आवेश इंटू दूरी हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसलिए एक्स दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण पी एक्स जो कि क्यू डी एक्स होगा, वाई दिशा में पी वाई जो कि क्यू डी वाई होगा तथा जेड दिशा में पी जेड जो कि क्यू डी जेड होगा, सो पी एक्स इक्वल टू क्यू डी एक्स, पी वाई इक्वल टू क्यू डी वाई तथा पी जेड इक्वल टू क्यू डी जेड, तो यहां पर पी एक्स, यहां पर पी वाई और यहां पर पी जेड रख देते हैं, सो एफ एक्स आ जाएगा पी एक्स इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस पी वाई इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई प्लस पी जेड इंटू डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। अब एफ एक्स निकालें तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड डॉट आई कैप डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, क्योंकि वापस इसको आप खोलोगे तो आपको यही मिलेगा, कारण यह है कि आई कैप डॉट आई कैप वन जे कैप डॉट जे कैप वन तथा के कैप डॉट के कैप की वैल्यू वन होती है बाकी सारी वैल्यू हमारी जीरो होती हैं, तो इसको यदि हम खोलें तो वापस हमको यही मिलेगा इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया है। अब ये क्या जाएगा कुल द्विध्रुव आघूर्ण, सो इसको हम पी लिख देते हैं डॉट ये क्या हो जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू ई, और ये हमारा डेल ऑपरेटर है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, सो ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण पी हो गया और डेल ऑपरेटर है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, सो ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू पी डॉट डेल ई एक्स। इसी प्रकार यदि हम वाई तथा जेड दिशा में बल के घटक निकाले तो वो क्या होगा एफ वाई इक्वल टू पी डॉट डेल ई वाई, जेड दिशा में एफ जेड इक्वल टू पी डॉट डेल ई जेड, सो एफ वाई इक्वल टू पी डॉट डेल ई वाई एफ जेड इक्वल टू पी डॉट डेल ई जेड। अब द्विध्रुव द्वारा असमरूप विद्युत क्षेत्र में अनुभव किया गया कुल स्थानांतरित बल, तो x दिशा में बल ये y दिशा में ये और z दिशा में ये है, तो कुल बल हो जाएगा F इक्वल टू आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड, सो F हमारा ये हो गया। अब एफ एक्स की जगह ये एफ वाई की जगह ये और एफ जेड की जगह यदि हम ये रखें सो P डॉट डेल आई कैप ई एक्स प्लस पी डॉट डेल जे कैप ई वाई प्लस पी डॉट डेल के कैप ई जेड,
और यहां पर पी डॉट डेल बाहर आ जाएगा, ये हो गया आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड, और ये विद्युत क्षेत्र का कुल मान है जिसे हम वेक्टर ई लिख सकते हैं। इसलिए स्थानांतरित बल आ जाएगा F इक्वल टू पी डॉट डेल ई। तो यह असमरूप विद्युत क्षेत्र ई में यदि कोई द्विध्रुव स्थित हो तो उस पर लगने वाला कुल स्थानांतरित बल का मान होगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कई बिंदु आवेशों से निर्मित निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उन विभिन्न आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उनकी वास्तविक स्थिति में लाने में किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। तो यदि हमको विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उस निकाय में जितने भी बिंदु आवेश हैं उन सभी बिंदु आवेशों को अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक खींचकर लाएंगे। उसमें जो कुल कार्य होगा वही हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ये हमने द्विकर्ण निकाय लिया है, इसमें बिंदु ए पर आवेश Q1, बिंदु बी पर आवेश Q2 तथा बिंदु ए का स्थितिज सदिश R1, बिंदु बी का स्थितिज सदिश R2। तो यदि हम यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाले तो वो क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदु आवेशों को अनंत पर भेजेंगे। तो माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो क्रमशः A तथा B बिंदुओं पर स्थित हैं। स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम इन बिंदु आवेशों को प्रारंभ में अनंत पर विस्थापित करते हैं। तो हम Q1 को भी अनंत पर और Q2 को भी अनंत पर भेज देते हैं। अब हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लेकर आते हैं, तो ये हमारा अनंत पर, ये भी हमारा अनंत पर। अब अनंत से खींचकर हम Q1 को यहां पर लेकर आते हैं, तो इस समय कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो आवेश Q1 है ये किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में गति नहीं कर रहा है। क्योंकि Q1 किसी भी विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करता है, इसलिए Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। सो Q1 को आप अनंत से बिंदु A तक लेकर आओगे। क्योंकि कोई भी विद्युत क्षेत्र यहां पर स्थित नहीं है, इसलिए किया गया कार्य का मान शून्य होगा। अब आप क्या करोगे, Q1 हमारा बिंदु A पर आ चुका है, परंतु ये जो Q2 है ये अभी भी अनंत पर है। अब हम अनंत से खींचकर बिंदु B पर Q2 को लेकर आते हैं। क्योंकि Q1 ऑलरेडी यहां पर है, इसलिए इस Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र होगा जो कि K Q1/R1² होगा। इसमें ये जो आवेश Q2 है ये गति करेगा, इसलिए हमें कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि Q2 आवेश Q1 आवेश द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इसलिए इसमें कार्य किया जाता है तथा यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः दो आवेशों से निर्मित निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा W12 -∞ R12 F12 dr। तो ये हमारा किया गया कार्य होगा। ऋणात्मक चिन्ह इसलिए है क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को लेकर आ रहे हैं। अब F12 Q1 और Q2 के मध्य का बल, माना Q1 और Q2 के मध्य दूरी R है, तो F12 हो जाएगा K Q1 Q2/R² और इस F12 की वैल्यू हम यहां पर रखें, सो ये क्या हो जाएगा -∞ R12 K Q1 Q2/R² dr। अब ये जो R12 है ये वास्तव में Q1 और Q2 के मध्य की दूरी है, तो हमारा जनरल फॉर्मूला जिसमें हमने R काम में लिया है। अब यहां पर Q1 है, ये Q2 है, तो आवेश 1 और आवेश 2, इसलिए इनके मध्य की दूरी हमने R12 कही है। सो माइनस
k1 q2 कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, अब 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r और लिमिट इंफिनिटी से r 1 2। अब पहले r की जगह r 1 2 और फिर r की जगह इंफिनिटी रख दो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो चुका है, इसलिए w 1 2 आ जाएगा k q1 q2 r 1 2, क्योंकि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए थे और हमारे पास में बचा था k q1 q2 और ब्रैकेट में 1/r 1 2 -1/∞ और 1/∞ 0 है, इसलिए हमको ये मिल गया। और यही हमारी स्थिर विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है दो आवेशों से निर्मित निकाय के लिए। अब हम एक तीसरे आवेश Q3 को अनंत से C बिंदु तक लेकर आते हैं, तो ये आवेश आ चुका है, ये भी आ गया है, एक और तीसरा आवेश है यहां पर मैं C मानता हूं, उसको भी हम अनंत से यहां पर खींचकर लेकर आते हैं, वो आवेश हमारा Q3 है। सो डायग्राम हमारा ये हो गया, C और A के मध्य की दूरी r 1 3, B और C के मध्य की दूरी r 2 3 और A एंड B के मध्य की दूरी r 1 2। क्योंकि Q3 आवेश Q1 आवेश द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इसलिए किया गया कार्य w 1 3। अब w 1 2 हमारा था k q1 q2 r 1 2, इसी प्रकार w 1 3 आ गया, हमने 2 की जगह 3 लिख दिया है, सो w 1 3 = k q1 q3 r 1 3। साथ ही Q3 आवेश Q2 आवेश द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में भी गति करता है, इसलिए W23 कार्य किया जाता है, तो W23 निकालना है, तो यहां पर 1 की जगह 2 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा W23 = k Q2 Q3 r 2 3। अब एक कार्य हमारे पास में ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, कुल किया गया कार्य निकाले तो तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो कुल किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि किया गया कुल कार्य ही वास्तव में स्थितिज ऊर्जा होगी, इसलिए W = U का मतलब स्थितिज ऊर्जा, W12 + W13 + W23। सो W12 का मान यहां से, W13 का मान यहां से और W23 का मान यहां से यहां पर रख दो, सो तीनों में K कॉमन है, सो K को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा Q1 Q2 / r 1 2 +Q1 Q3 / r 1 3 +Q2 Q3 / r 2 3, तो हमारा W आ गया है। अब U हमने ये निकाला है, U और W एक ही चीज है, अब यदि हम इसको सिग्मा नोटेशन में लिखें तो वो क्या होगा, U = K, σi = 1 to 3, σj = 1 to 3, i ≠ j, qij/rij। अब ये कैसे आया है, अगर मैं ये सिग्मा खोलू तो पहले i = 1, j = 2, तो इस अवस्था में हमको w12 मिलेगा, i = 1, j = 3, तो w13, i = 2, j = 1, तो w21, i = 2, j = 3, सो w23, i = 3, j = 1, सो w31, i = 3, j = 2, सो w32। तो हमने i ≠ j लिखा है, इसलिए w11, w22, w33 नहीं आया है, परंतु अभी भी मैं यदि इसे खोलूं तो मेरे को ये 6 पद मिलते हैं, जबकि यहां पर ये टोटल 3 पद ही हैं, इसलिए मैं इसको हाफ और कर देता हूं, ये 2 से भाग दे देता हूं, तो वास्तव में 3 आवेशों से निर्मित निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो ये होगी, न कि ये। n बिंदु आवेशों से निर्मित निकाय के लिए कुल किया गया कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अब n आवेशों से निर्मित निकाय है तो इस 3 की जगह आप n लिख दो, बाकी हमारा यही रहेगा, सो u = 1/2 k σi = 1 to n σj = 1 to n
I is not equal to J, Q I Q J upon R I J, ठीक है, N आवेशों से निर्मित निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, CGS मात्रक है अर्ग, ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का जूल, एक और मात्रक होता है जिसे हम EV या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि हमें परिभाषित करना है तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट के विभवांतर में गति करने पर ग्रहण की गई या क्षय की गई गतिज ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर में गति करता है तो इस गति के दौरान उसके द्वारा ग्रहण की गई या क्षय की गई जो गतिज ऊर्जा होगी वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय।